हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। फ्रेंड्स, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और सभी को आइसक्रीम खाना तो बहुत पसंद होता है, तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड आइसक्रीम बिना क्रीम के। ये देखने में फ्रेंड्स बहुत ही डिलीशियस और एपेटाइजिंग लग रही है, यकीन मानिए खाने में भी ये उतनी ही है। तो फ्रेंड्स, आज हम सिल्की स्मूथ डिलीशियस सॉफ्ट कस्टर्ड आइसक्रीम बनाएंगे। ये बहुत ही क्रीमी होती है और सबसे खास बात, इसको हम बिना क्रीम के बनाएंगे। और कस्टर्ड के साथ फ्रेंड्स, मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि आपको वीडियो के दौरान मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, घंटों तक हमें गैस पर इसे पकाना भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो होगा पार्ले जी का बिस्किट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही बिस्किट है जो कोविड के टाइम में भी इंडिया का नंबर वन बिस्किट रहा है। और फ्रेंड्स, ये पार्ले जी का पैकेट आपको सभी जगह बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, ये बाकी बिस्किट्स के मुकाबले में काफी हेल्दी माना गया है क्योंकि इसमें ग्लूकोज कंटेंट अच्छा होता है। तो मैंने इसके 5 से 6 पीसेस ले लिए हैं, इनके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रही हूँ क्योंकि हम इसको पीसने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब ये सारे बिस्किट हम मिक्सर में डाल करके इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कोई और बिस्किट भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिस्किट का पाउडर हमारा रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे 3 स्पून्स कस्टर्ड पाउडर। फ्रेंड्स, मार्केट में ये डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, मेरा वाला कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का है। तो 3 स्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें 4 स्पून डालेंगे दूध, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो दूध लें वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ लें, या तो ठंडा लें, गर्म बिल्कुल ना लें, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर अच्छे से घुलेगा नहीं, उसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। तो मैंने 2 कप दूध इसमें डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस दूध को गर्म करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो गया है और अभी ये उबला नहीं है पर तेज गर्म हो गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप चीनी। आप अगर मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और अब हम दूध को बॉईल करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूध जो है बॉईल हो चुका है। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा, हमने जो कस्टर्ड पाउडर घोल करके रखा था उसको हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो मैं पूरा मिक्सचर इस दूध में डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे गैस पर धीमी आंच पर। फ्रेंड्स, कस्टर्ड डालते ही आपको इसे कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे चलाते रहें धीमी आंच पर। थोड़ी ही देर में ये मिक्सचर जो है गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सचर गाढ़ा हो गया। मैंने अभी 1 मिनट के लिए गैस बंद किया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा पिसा हुआ बिस्किट का पाउडर। और अब मैं गैस वापस ऑन कर दूंगी और इसे फिर से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स साबुत बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पाउडर डालेंगे तो वो जल्दी से मिक्स हो जाता है। अच्छे से इसे फिर से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे फिर से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर हमारा और गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। और बस फ्रेंड्स, अब इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे क्योंकि हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चलाएंगे। तो गरम बिल्कुल नहीं चलाना है, ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्सर में चलाना है। तो मैंने गैस से इसे उतार लिया है और अब इसे मैं कंप्लीटली ठंडा करूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सर एकदम ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ठंडा होने पर ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है क्योंकि कस्टर्ड है वो गाढ़ापन देता है। अब हम इस सारे मिक्सर को फ्रेंड्स अपने मिक्सर में डालेंगे। ये वही मिक्सर है फ्रेंड्स जिसमें मैंने बिस्किट पीसे थे और ये सारा मिक्सर मैंने इस मिक्सर में डाल दिया है। और इसे 1 मिनट तक हम धीमे धीमे बार बार रोक रोक कर मिक्सी को चलाएंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने रोक रोक कर मिक्सी चलाई और इसका देखिए इस तरीके का ये गाढ़ा सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सिल्की और स्मूथ टेक्सचर है इसका, कितना क्रीमी और फ्रॉथी बनकर के रेडी हुआ है। अब हम फ्रेंड्स एक बर्तन लेंगे। मैं यहाँ पर केक बनाने वाला एक टिन ले रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी स्टील का टिफिन या कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं। सारा मिक्सचर इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम फ्रेंड्स इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट को लगाएंगे जिससे कि जब हम इसे फ्रीजर में रखें तो इसके ऊपर बर्फ बिल्कुल ना जमे। तो इस तरीके की किचन क्लिंग रैप को मैंने कट कर लिया इसके साइज का और इस तरीके से मैं इसके साइड्स में इसको लगा दूंगी।
फ्रेंड्स, मैं अंदर की तरफ थोड़ा प्लास्टिक शीट को प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें कहीं भी स्पेस ना रहे, ताकि इसमें बर्फ ना जमे बिल्कुल भी। इस तरीके से मैंने इसे कम्प्लीटली पैक कर दिया है साइड से भी। और अब हम फ्रेंड्स इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे जमने के लिए। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे बाद ये जम चुका है। हम इसकी प्लास्टिक की शीट को रिमूव कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया ये जमी हुई है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है। इसको और फ्रोथी और सिल्की बनाने के लिए हमें इसे इस बर्तन से निकालना होगा। तो मैं इसको अच्छे से स्पून से निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें पूरी आइसक्रीम को निकाल लेना है और वापस इसे मिक्सर में डालना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये और सिल्की और फ्रॉथी हो जाएगी। तो फिर से मैंने उसी मिक्सर में इसे डाल दिया है और हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और फिर से इसे 1 मिनट तक हम पल्स दे दे के मिक्सी में चलाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इसे एक बार और चला लिया है और ये देखिए कलर में भी हल्की सी लाइट हो गई है और इसमें और फ्रॉथ आ गया है, यानी कि झाग आ गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनने की इंडिकेशन है। तो फ्रेंड्स, फिर से इसे ट्रांसफर कर देते हैं अपने उसी आइसक्रीम जमाने वाले बर्तन में। तो मैं ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, अब हम फ्रेंड्स वापस से इसे प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे। अगर आप इसे कवर नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आइस आ जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं देगी। इस तरीके से प्लास्टिक को फिर से पैक कर देंगे हम सरफेस से एकदम टच होते हुए आइसक्रीम के, और इसे 5 से 6 घंटे तक फ्रीजर के अंदर रख देंगे जमने के लिए। कम्प्लीटली ये जम जाएगी तभी बाहर निकालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और मेरी आइसक्रीम बढ़िया तरीके से जम चुकी है और मेरे बच्चे आसपास खड़े हैं, उनको वेट नहीं हो रहा है कि फटाफट से मम्मा इसे दे और हम खाएं। तो बहुत बढ़िया आइसक्रीम फ्रेंड्स बन करके तैयार हुई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो चलिए इसे निकालते हैं। मेरे पास ये स्कूपर है, अगर आपके पास ये स्कूपर ना हो तो आप स्पून से भी निकाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कैसी बन करके तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक स्कूप ले लिया है और मैं आपको इसे प्लेट में डाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने बिना क्रीम के घर में कस्टर्ड पाउडर और बिस्किट से बनाया है। लग रही है ना ये अमेजिंग सी रेसिपी। मैं एक और स्कूप आपको निकाल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बाहर की आइसक्रीम से काफी हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और स्कूप मैंने इसका निकाला है। लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग सी हमारी ये आइसक्रीम। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है। केवल कस्टर्ड पाउडर, दूध और बिस्किट इसमें हमें चाहिए होता है, जो कि घर में आसानी से मिल जाता है। और आप गर्मी में बच्चों को जब चाहें आइसक्रीम खिला सकते हैं, ना इसमें हमने क्रीम डाली है ना ही कोई और चीज। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बढ़िया वनीला फ्लेवर वाली कस्टर्ड आइसक्रीम। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकलर्स या टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम लग रही है। तो आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपके बच्चों को भी। तो कैसी लगी आइसक्रीम की रेसिपी फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखकर जाने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में दिया गया बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।